चुनावी रामाश्यामा की मतदान के बाद अगले 5 साल तक नजर ना आने वाले नेता इन दिनों हर मौके पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मौका चाहे कोई भी हो उसे भुनाने में लगे हैं। प्रदेश में दीपावली के बाद नेता अब रामाश्यामा के बहाने जनता के बीच पहुंच रहे हैं, यानी एक पंथ दो काज। देखिए, चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका, रामाश्यामा के बहाने मेल मिलाप, दीपावली उत्सव का फायदा उठाते नेताजी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जनता के बीच पहुंचने का कोई भी मौका नेताजी गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में दीपावली के अलग दिन बनाए जाने वाले रामाश्यामा उत्सव को भी नेताजी भुनाने में लगे हैं। सबसे पहले बात प्रतापगढ़ विधानसभा की, जहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार एक ही रंग में नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल मीणा और बीजेपी उम्मीदवार हेमंत मीणा दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए बाजार में निकले। कई जगहों पर लोगों ने उनके साथ फोटो भी खिंचवाए और मुंह भी मीठा कराया। सिविल लाइन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास भी दिखे। इस दौरान खाचरियावास ने जनता से काम के आधार पर वोटरों को वोट करना चाहा। मैं एक सुबह मीटिंग थी यहाँ, वो मीटिंग इन्होंने हमारे साथियों ने रखी थी, बड़ी मीटिंग थी। वहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि काफी लोग ऐसे मिल रहे हैं जो काम पर साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में, उस एरिया में उधर सीवरेज तक नहीं थी, क्योंकि पहले सीवरेज का लेवल नहीं मिल रहा था। आपकी बार हमने सीवरेज डाल के नई सड़कें बनाकर पूरा एरिया डेवलप कर दिया। यहाँ पे आप आयोगे एक पुलिया है, उसको चौड़ा किया गया, क्योंकि जाम लगता था। हम मेट्रो लाए, हम अजमेर रोड पे एलिवेटेड रोड लाए, भारत जोड़ो सेतु लाए, अभी हाई टेंशन लाइन हट रही है। और हाई टेंशन लाइन का एक तो 50 करोड़ की लागत से हट रही, एक हमने नया टेंडर किया 112 करोड़ का, जिसमें पूरे सिविल लाइन की हाई टेंशन लाइन हम हटाने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से वोटर की मेरी ड्यूटी, तो मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, कांग्रेस के प्रति है, देश के प्रति सबसे पहले। कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली बूंदी के हिंडौली में, जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रभुलाल सैनी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी। दीपावली से अगले दिन गांव वालों के पास पहुंचे और लोग गीत गाए। बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र भांबू की, जिन्होंने बाकरा से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान रास्ते में आने वाले ठाड़ियों के अलावा भांबू ने ग्रामीणों से मुलाकात कर अपने समर्थन में मतदान की अपील की। आज नयासर ग्राम पंचायत में झुंझुनू विधानसभा की चुनावी सभा हुई, उसमें आदरणीय बड़े बुजुर्ग और हम उम्र साथी और युवाओं और मेरी आदरयोग्य माता बहन उनकी बड़ी उपस्थिति रही। विशाल जनसलाभ उत्तम हमरा, जिन्होंने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी को बहुत बड़ा जनसमर्थन दिया है और ये विधानसभा में नया इतिहास रचेगा, ये नया सर पंचायत, इस बात का मुझे विश्वास है। लोगों ने बड़ा अपार स्नेह देकर मुझे विजयी बनाने की अपील की है। उसी तरीके से दौसा के बांदीकुई से कांग्रेस प्रत्याशी गजराज खटारा ने बांदीकुई शहर में चुनाव प्रचार के दौरान दीपावली की रामाश्यामा की, साथ ही इस दौरान कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील भी की। देखिए, हम लोग सभी कांग्रेसी लोग हर दिवाली को और होली को पूरे बाजार में रामाश्यामा के लिए निकलते हैं, और आज अभी सभी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता नेता सभी आज रामाश्यामा करने के लिए दिवाली के लिए बांदीकुई बाजार में निकले और सभी से हम मिलजुल कर भाईचारे का संदेश देंगे, ऐसी आज की हमारी एक कार्यक्रम है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी रवि नैयर रामाश्यामा के बहाने जनता के बीच पहुंचे और जनता के बीच वोट देने की अपील की। कि हम ये कहते हैं कि बस्ती में गरीबी ना होता वहाँ गिरेश बसते हैं। आज मेरे लिए जो भगवान के तुल्य हैं सारे कार्यकर्ता, मैं इनके बीच में हूँ, बस्ती के बंदर, इनके साथ दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ और मेरे को जनता आशीर्वाद दे रही है, और मेरे लिए बहुत बढ़िया कि त्यौहार और पर्व हमेशा समाज के ऐसे लोगों में ही मनाना चाहिए जो थोड़ा सा कहीं अभाव के क्षेत्र में रहते हैं। चुनाव से पहले हर कोई जनता के पास जाकर उनका हितैषी बनने की कोशिश में लगा है।
बारा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा समर्थकों के साथ शहर के बाजारों में लोगों के पास पहुंचे और उनसे दिवाली की राम राम की। वहीं अंता से प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भी क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। रामा श्यामा के बहाने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भरद्वाज भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। कि चुनाव भी अपने आप में एक चुनौती है और हमने तो पिछले पूरे 5 साल तक जनता की सेवा की है, तो जनता अब अपने आप चुनाव लड़वा रही है। जनता चारों तरफ घूम रही है, मेरे चाहने वाले बड़े बुजुर्ग महिलाएं सबका इतना प्यार मिल रहा है और निश्चित तौर पर इस बार हम सफलता के झंडे गाड़ेंगे। बीजेपी का गढ़ है, आपने कहा कि सफलता के झंडे हैं जो गाड़ेंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, बीजेपी का इसमें कोई संशय नहीं है कि ये बीजेपी की काफ़ी मजबूत सीटों में से थी और ये मजबूत तब भी बनी हुई थी जब बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किए, लेकिन जब काम करने वाला व्यक्ति मेरा जैसा कर्मयोगी लोगों के जहन में आता है तो लोगों ने सोचने विचारने पर अपने आप को मजबूर कर लिया। कुछ ऐसा ही नजारा बूंदी में भी दिख रहा। बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा ने रामा श्यामा के बहाने जनता से वोट की अपील की, साथ ही चुनाव जीतने के बाद विकास की रफ्तार को तेज करने का वादा भी किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग जगहों पर भाजपा प्रत्याशी अशोक डोगरा का गर्मजोशी से स्वागत भी हुआ। बीजेपी समेत अलग अलग दल के उम्मीदवार व्यक्तिगत स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने के लिए दिवाली के शुभ रामा श्यामा उत्सव का लाभ उठा रहे हैं। अब इस कसरत का फायदा होगा या नहीं, ये चुनाव के नतीजों से साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।